नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका डायल पे टोन होता है, जैसे कि ये कोई भी नंबर वगैरह डायल करते हो तो यहाँ पे जो साउंड आता है, या यहाँ पे टच करते हो तो वाइब्रेशन होता है, या कीबोर्ड से साउंड आता है, तो ये सारे छोटे छोटे साउंड को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद अपने साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर वाइब्रेशन की बात की है मैंने। तो कॉल के लिए वाइब्रेशन आप यहां से बंद कर सकते हो, यहां से ऑलवेज, और यहां से सिर्फ पहले रिंग पे वाइब्रेट होगा, है ना। और इसके बाद चलिए नीचे चलते हैं हम, और यहां पे आपको डायल पैड टोन होता है, तो डायल पैड टोन को अगर बंद करना है तो ग्रे कर दीजिए। स्क्रीन लॉक साउंड, जब स्क्रीन लॉक होता है तो कट का एक आवाज़ आता है, उसको भी आप बंद कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। चार्जिंग एंड वाइब्रेशन साउंड, तो जो चार्ज में लगाते हो तो उस समय का साउंड आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। टच साउंड आप यहां से बंद कर सकते हो। और जो वाइब्रेशन वाला होता है, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक बोलते हैं, जिसको टैप करते हैं या कीबोर्ड टच करते हैं या यहां पे टच करते हैं, तो जो वाइब्रेशन फील होता है ना, उसको भी आप यहां से बंद कर सकते हो इस तरह से। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ और होता है इसमें, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट को आप यहाँ से बंद कर सकते हो। शॉर्टकट क्या होता है, जब आपका कॉल आ रहा होता है और जब पावर बटन को और यहाँ पे वॉल्यूम अप को एक साथ प्रेस करते हो, तो ये जो भी सेट करते हो म्यूट, तो म्यूट हो जाएगा, वाइब्रेट करोगे तो वाइब्रेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।